हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? तो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है बेसिक मैथमेटिक्स का, जो लास्ट टाइम हमने शायद डिस्कस किया था आपसे कि हम जेई मेंस की जो है वो एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, कि सबके लिए ये फ्री है, कोई भी इसकी कोस्ट नहीं है। तो बेसिक मैथमेटिक्स की आपकी फर्स्ट क्लास है, हो सकता है ये क्लास आपकी छोटी रहे, देखते हैं आगे आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे उसके अकॉर्डिंग हम बात करते रहेंगे। तो आज हम सबसे पहला जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम नंबर सिस्टम का सबसे पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज जो हमारे बेसिक नंबर्स होते हैं रैशनल और इरैशनल, उसके हम बात करेंगे आज। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, हो सकता है कि आपने पहले भी ये नाइन्थ क्लास से स्टार्ट होता है हमारा टॉपिक रैशनल और इरैशनल नंबर सिस्टम का, किस तरीके से क्या रहता है वो बिल्कुल मैंने यहाँ लिख दिया है थोड़ा सा, और उसके अकॉर्डिंग इसकी बात करते हैं कि कुछ नंबर्स में कोई नंबर ऐड करते हैं, रैशनल में डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, इररैशनल में मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, कैसे भी उसके अकॉर्डिंग जो हमारे नंबर आएंगे वो हम आज हम थोड़ी सी एक बात करने वाले हैं। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, हो सकता है जिन्होंने पहले नहीं पढ़ रखा होगा उनके लिए फ़ायदा होगा, और जिन्होंने पहले पढ़ भी रखा है तो वो एक बार दोबारा से अपना जो टॉपिक जो है वो एक बार रिवाइज कर लें, देन उसके अकॉर्डिंग हम बात। तो फर्स्ट जो हमारा ये मैंने यहाँ मेंशन कर रखा जो फर्स्ट है हमारा दैट इज रैशनल प्लस माइनस रैशनल। ये आप सभी को पता है कि अगर हम रैशनल नंबर को किसी दूसरे रैशनल नंबर में ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमेशा ही हमारा कौन सा नंबर आता है बताइए जरा एक बार। तो हमको सभी को पता है कि ये जो हमारा नंबर आएगा दैट इज रैशनल। रैशनल नंबर में अगर आप रैशनल नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमेशा ही रैशनल नंबर ही आएगा। सेकंड, अगर हम बात करें रैशनल नंबर को किसी रैशनल नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी सभी को पता है दैट इज रैशनल नंबर, तो ये भी हमेशा जो नंबर आएगा वो हमारा रैशनल नंबर ही आएगा। थर्ड, अगर हम बात करें अगर हम रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से डिवाइड कराएं, यहाँ पर आप एक कंडीशन लगाकर चलिएगा कि ये जो डिनोमिनेटर वाला अगर आपका रैशनल नंबर है ये रैशनल नंबर नॉन जीरो होना चाहिए, क्योंकि अगर ये रैशनल नंबर नॉन जीरो नहीं हुआ, अगर ये जीरो हो गया तो ये वाला जो नंबर है वो हमारा अनडिफाइंड नंबर बन जाएगा। रैशनल को किसी नॉन जीरो रैशनल नंबर से अगर आपने डिवाइड कराया तो हम ये बात जरूर ध्यान रखिएगा जो नंबर आएगा वो भी हमारा रैशनल नंबर ही आएगा, प्रोवाइडेड कंडीशन मैंने आपको बता दी है कि डिनोमिनेटर वाला जो रैशनल नंबर होना चाहिए वो हमारा नॉन जीरो रैशनल नंबर होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट, अगर हम बात करें, हम बात आ गई है इरैशनल नंबर की। इरैशनल नंबर को किसी भी इरैशनल नंबर में ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आप ये नहीं बता सकते नंबर रैशनल आएगा या इरैशनल आएगा। कैसे, दिखाता हूं मैं आपको, एग्जांपल देता हूं। अगर हम 2 प्लस रूट थ्री में 2 माइनस रूट थ्री अगर हम सब्ट्रैक्ट करें, अगर मैं ये देखूं दैट इज इरैशनल नंबर और ये वाला जो नंबर है वो भी हमारा इरैशनल नंबर। अब तुम इसको ध्यान से देखिएगा, अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो इसको प्लस ले लीजिए, अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल आउट, टू माइनस टू कैंसिल आउट, दैट इज जीरो। ये जो हमारा नंबर है वो हमारा नंबर हो गया रैशनल नंबर। तो ये बात जरूर ध्यान रखिएगा, इरैशनल नंबर में अगर अभी किसी भी इरैशनल नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कभी रैशनल भी आ सकता है और हो सकता है कभी इरैशनल भी आ जाए। इरैशनल कैसे, एग्जांपल देता हूं मैं तुमको, अगर आप 2 प्लस रूट टू में अंडर रूट टू ऐड कर देते हैं तो अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो रूट टू प्लस रूट टू टू अंडर रूट टू, दैट इज इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर को इरैशनल नंबर में ऐड किया तो इरैशनल नंबर भी आ गया और रैशनल नंबर भी आ गया। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर आपसे कोई भी डिस्कस करता है कि इरैशनल नंबर में इरैशनल नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हम बता नहीं सकते किस टाइप का नंबर आएगा, तो हम अगर यहां लिखना चाहें दैट इज कैन नॉट से, प्रॉपर एग्जैक्ट नहीं बता सकते नंबर रैशनल आएगा या इरैशनल आएगा, हो सकता है कभी कभी रैशनल भी हो जाए और सम टाइम्स इरैशनल भी हो जाए, ये आपको बातें ध्यान रखनी है। एग्जांपल जरूर मेंशन कर लीजिएगा ताकि पता हो कि किस तरीके से नंबर रैशनल है या इरैशनल है, ये बात ध्यान रखिएगा। सेम अगर हम डिस्कस करें यहाँ पर रैशनल नंबर को अगर आप इरैशनल नंबर से मल्टीप्लाई कराते हैं, प्रोवाइडेड कंडीशन यहाँ पर ये है कि ये जो हमारा रैशनल नंबर है ये रैशनल नंबर नॉन जीरो रैशनल नंबर होना चाहिए। अगर ये नॉन जीरो रैशनल नंबर हुआ तो जो हमारा नंबर है आउटपुट आएगी वो हमारी इरैशनल नंबर आएगी, ये बात जरूर ध्यान रखिएगा, ये नॉन जीरो होना चाहिए।
क्योंकि अगर ये जीरो हमारा हो गया, जीरो को किसी भी इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई कराइए, हमेशा जीरो आएगा, और जीरो जब आएगा दैट इज रैशनल नंबर। ठीक है, तो ये आप बात जरूर ध्यान रखिएगा, रैशनल नंबर को किसी भी इरेशनल नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमारा इरेशनल नंबर आता है, प्रोवाइडेड कंडीशन ये है कि जो रैशनल नंबर है वो नॉन जीरो होना चाहिए। क्योंकि अगर ये जीरो हो गया, जीरो को किसी भी इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई कराओगे तो हमेशा जीरो बन जाएगा, और जीरो इज रैशनल नंबर। ये वाला जो केस है रैशनल इंटू इरेशनल, वो रैशनल सिर्फ तब होगा जब रैशनल नंबर जीरो हो जाएगा। जीरो मल्टीप्लाई एनी नंबर दैट इज जीरो, और जीरो इज अवर रैशनल। क्लियर। नेक्स्ट की हम बात करते हैं सिक्स्थ की। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, सिक्स्थ और फोर्थ सेम हो गए, सेम लिख दिया, पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा डिस्कस करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट सेवंथ की बात करते हैं। इरेशनल नंबर को अगर आप इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये हम बात जरूर ध्यान रखिएगा, इसमें भी आप बता नहीं सकते कि किस टाइप का नंबर आएगा। हो सकता है कभी आपका रैशनल आ जाए, कभी आपका इरेशनल नंबर आ जाए। इरेशनल को अगर आप इरेशनल से मल्टीप्लाई कराते हैं तो बात जरूर ध्यान रखिएगा, आप बिल्कुल क्लियर नहीं बता सकते हैं कि रैशनल आएगा इरेशनल आएगा। एग्जांपल देके मैं डिस्कस कराता हूं आपको। अंडर रूट 5 को अंडर रूट 3 से आपने मल्टीप्लाई करा, नंबर आया अंडर रूट 50। ये वाला जो नंबर है इरेशनल है, ये भी नंबर इरेशनल है, और जो आउटपुट आई वो भी हमारी इरेशनल ही आई। इरेशनल वाले नंबर को इरेशनल वाले से मल्टीप्लाई कराया तो इरेशनल। एक और एग्जांपल देखिए, अगर आप अंडर रूट 5 को अंडर रूट 5 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो अंडर रूट 25 आएगा, और अंडर रूट 25 की वैल्यू होती है 5। ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, लेकिन जो आउटपुट आई वो कौन सी आई, रैशनल आई। तो इरेशनल नंबर को अगर इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई कराई जाती है तो कई बार रैशनल आता है, कई बार इरेशनल। तो प्रॉपर फाइनल फिक्स आंसर नहीं है, इसलिए हम नहीं बता सकते। जब तक हमारे पास नंबर नहीं है तब तक आप उसके बारे में नहीं बता सकते कि नंबर रैशनल होगा या इरेशनल होगा। सेम यहां भी यही, इरेशनल नंबर को अगर किसी इरेशनल नंबर से डिवाइड कराते हैं तो आप ये क्लैरिफाई नहीं कर सकते कि नंबर रैशनल होगा या इरेशनल होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, पहले आप डिस्कस कर लीजिए, दैट इज कैनॉट से, हम बता नहीं सकते कि नंबर किस टाइप का होगा, रैशनल होगा या इरेशनल। एग्जाम्पल देखिए बताता हूँ आपको मैं किस तरीके से हम बात कर सकते हैं इसके अंदर। देखिए अगर आप अंडर रूट 2 को अंडर रूट 3 से डिवाइड करें, ऊपर वाला जो नंबर है वो इरेशनल है, नीचे वाला भी इरेशनल है, जो आउटपुट आएगी वो भी हमारी इरेशनल ही है। सेम अगर मैंने आपको कहा अंडर रूट 2 को 3 अंडर रूट 2 से डिवाइड करें, तो आप जरा ध्यान से देखिए, ऊपर वाला जो नंबर है वो इरेशनल है, नीचे वाला भी नंबर इरेशनल है, अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कैंसिल आउट हो गया, दैट इज 1/3, और 1/3 हमारा कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर। कई बार इरेशनल आता है, कई बार रैशनल आता है, इसलिए आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते। अगर आपने इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से डिवाइड किया तो रैशनल आएगा इरेशनल आएगा। क्लियर, समझ में आ गया मेरी बात, ये आपको ध्यान। ये सब बेसिक पॉइंट्स हैं, बेसिक मैथमेटिक्स से हमने स्टार्ट किया है, बिल्कुल बेसिक जो रैशनल नंबर सिस्टम। हो सकता है कि स्टार्टिंग वाला जो पार्ट रहे वो एक बारी में समझ में आ भी जाए, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे जो भी लेवल है वो धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे ताकि कुछ बच्चों को दिक्कत ना हो। क्लियर, समझ में आ गई मेरी बात, ये आपको ध्यान। तो ये पहला था हमारा कि किस टाइप से अगर हम रैशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई कराएं, डिवाइड कराएं, सबट्रैक्ट कराएं, कुछ भी कराएं, उसके अकॉर्डिंग हम बात कर सकते हैं। क्लियर, समझ में आ गई मेरी बात, ये आपको ध्यान रखना है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। देन नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से हम कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। ये जो भी डिस्कस हो रहा है आगे जाके जितने भी आपके कंसेप्ट डिस्कस होंगे उसके अंदर ये आपका यूज करेगा। ठीक है, ये जो टर्म्स मैं आपको छोटे छोटे टर्म्स बता रहा हूँ, आगे आगे जैसे भी हम चल रहे हैं ये सारी टर्म्स उसके अंदर हम यूज करेंगे क्वेश्चंस के अंदर। क्लियर, समझ में आ गए, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट एक पॉइंट है दो चार, वो एक बार ध्यान से देख लीजिए, ये आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए।
कि अगर आप किसी नंबर को उसके रेसिप्रोकल नंबर में ऐड करते हैं, अगर आप किसी नंबर को उसके रेसिप्रोकल वाले नंबर में ऐड करते हैं तो वो नंबर जो है वो दो या दो से बड़ा आएगा हमेशा, प्रोवाइडेड कंडीशन ये डाली हुई है कि जो वो नंबर है वो हमारा पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना। इसका प्रूफ भी मैं आपको करके दिखाता हूँ, प्रूफ की वैसे जरूरत नहीं पड़ती है लेकिन फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये किस तरीके से आया है हमारा। क्लियर, समझ में आ गई मेरी बात? ये आपको बात ध्यान रखनी है। ये जो देखो पता क्या है, ये आपको आगे आगे जब जैसे जैसे आगे क्वेश्चंस करेंगे उसके अंदर आपको समझ में आएंगी चीजें। छोटे छोटे पॉइंट्स बताए हैं आपको, वो पॉइंट्स किस तरीके से यूज किए जा रहे हैं। अभी सिर्फ आपका काम ये है कि जो भी आपको बताया जा रहा है एक बार उसको अपने कॉपी में नोट डाउन करते जाओ। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा लेवल भी इंक्रीज होगा और ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये सारे पॉइंट्स आपको काम आएंगे। क्लियर, अभी जैसे बताया जा रहा है जिस तरीके से है वो एक बार आप नोट डाउन करते चलो और आगे बढ़ते चलो। क्लियर, समझ में आ गई? ठीक है, तो पहला पॉइंट मैंने ये बताया किसी नंबर को उसके रेसिप्रोकल वाले में अगर आप ऐड करते हैं तो वो वैल्यू होगी नंबर की दो या दो से चार। अगर हम मिनिमम वैल्यू की बात करें, इसकी पूछ लेता है कि मिनिमम वैल्यू बताइए, तो मिनिमम वैल्यू इज टू, मैक्सिमम हम नहीं बता सकते, ग्रेटर देन टू भी हो सकता है इनफिनिट तक जाए। प्रोवाइडेड कंडीशन ये है कि जो नंबर होना चाहिए वो पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए। इसमें एक बात और आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, क्या इसमें एक कंडीशन और भी आती है कि x प्लस वन बाई एक्स जी टू के बराबर हो सकता है। टू के बराबर तब होगा जब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना। कोई अगर आपसे ये पूछ लेता है कि ये वाली जो कंडीशन है इसकी मिनिमम जो वैल्यू आती है वो मिनिमम वैल्यू किस x के ऊपर आती है, जो मिनिमम वैल्यू आती है वो एट x इक्वल्स टू वन पे आती है। क्लियर, समझ में आ गई मेरी बात? ये हो सकता है क्वेश्चन के अंदर मैं डायरेक्ट यूज कर दूंगी, तो स्टार्टिंग में जितने भी पॉइंट बताए जा रहे हैं मैं आपको बार बार यही कह रहा हूं कि एक बार उसको तरीके से नोटबुक पे जो नोट्स हैं वो एक बार ढंग से बनाते चलो, उसके अकॉर्डिंग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये पॉइंट्स क्वेश्चंस के अंदर यूज करेंगे। क्लियर, समझ में आ गई? तो ये पहला पॉइंट था कि अगर हम किसी नंबर को उसके रेसिप्रोकल नंबर में ऐड करते हैं तो हमारी जो वैल्यू होती है वो दो या दो से ग्रेटर होती है, मिनिमम वैल्यू उसकी टू होती है और मिनिमम वैल्यू टू तब आती है जब एक्स की वैल्यू कितनी होती है, वन होती है, प्रोवाइडेड कंडीशन एक्स इज पॉजिटिव रियल नंबर। क्लियर, समझ में आ गई? पहले कंडीशंस लिख लो फिर प्रूफ बताता हूं दोनों की। दूसरी कंडीशन है किसी नंबर को अगर उसके रेसिप्रोकल वाले नंबर में ऐड करते हैं तो उसकी वैल्यू माइनस टू या उससे बड़ी होती है। इसके अंदर प्रोवाइडेड कंडीशन क्या है, जो एक्स होना चाहिए दैट इज नेगेटिव रियल नंबर। यहां पर कंडीशन ये डाली है कि जो हमारी एक्स की वैल्यू होनी चाहिए वो एक नेगेटिव रियल नंबर होनी चाहिए। यह देखो यहां इसकी मिनिमम वैल्यू भी मैं बताता हूं आपको, अगर किसी रेसिप्रोकल वाले नंबर को ऐड करते हो तो वो माइनस टू तब आएगा जब हमारी एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, माइनस वन हो जाएगी। ये दोनों कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चंस में डायरेक्ट यूज हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर, समझ में आ गई मेरी बात? किसी नंबर को उसके रेसिप्रोकल वाले नंबर में ऐड करते हो तो उसकी वैल्यू टू या टू माइनस टू या माइनस टू से बड़ी होगी, मिनिमम वैल्यू माइनस टू होती है, होती किस पे है, एट एक्स इक्वल्स टू माइनस वन के ऊपर। कंडीशन ध्यान रखनी है इन दूसरी वाली कंडीशन के अंदर जो एक्स है दैट बिलोंग्स टू नेगेटिव रियल नंबर। क्लियर, समझ में आ गई? एक बार इसको फटाफट नोट डाउन कर लीजिए फिर उसके बाद इसके प्रूफ बताता हूं मैं आपको। एक तीसरी भी देख लीजिए, इसमें काम आएगी प्रूफ के अंदर। किसी भी नंबर का जो स्केयर होता है, स्केयर ऑफ एनी नंबर दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, ये भी आपको ध्यान रखनी है। किसी भी नंबर का स्केयर चाहे वो नेगेटिव नंबर है चाहे वो पॉजिटिव नंबर है, यहां पर अगर मैं बात करूं देन एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, चाहे वो नंबर हमारा पॉजिटिव है चाहे वो हमारा नंबर नेगेटिव है, अगर आप उसका स्केयर करते हैं तो उसकी जो वैल्यू रहेगी वो जीरो या जीरो से ज्यादा आएगी, ये आपको ध्यान रखना। क्लियर, समझ में आ गई? अब फर्स्ट और सेकंड के मैं आपको प्रूफ बताता हूं कि वो बना कैसे, कि फर्स्ट वाला किस तरीके से आया सेकंड वाला किस तरीके से आया। क्लियर, तो देखिए ध्यान से एक बार प्रूफ की अगर हम बात करते हैं, ये तीन कंडीशन मैंने बता दी, पहली किसी नंबर को उसके रेसिप्रोकल नंबर पे ऐड करते हैं तो उसकी वैल्यू टू या टू से ज्यादा होगी प्रोवाइडेड इट्स पॉजिटिव रियल नंबर, सेकंड किसी रियल नंबर को नेगेटिव रियल नंबर को उसके नेगेटिव रियल नंबर में ऐड करते हैं तो वैल्यू माइनस टू या माइनस टू से ज्यादा आती है हमेशा, मिनिमम वैल्यू माइनस टू होती है और किस पे होती है, एट एक्स इक्वल्स टू माइनस वन पे। तीसरी स्केयर ऑफ एनी नंबर दैट बिलोंग्स टू रियल
कुछ भी हो सकता है, हमेशा उसकी वैल्यू जीरो या जीरो से चार आएगी, ये आपको ध्यान रखना है। अब एक बार फर्स्ट और सेकंड का मैं आपको प्रूफ डिस्कस कराता हूं किस तरीके से वो बनता है, देखिए ध्यान से। तीसरी वाली कंडीशन का उसके अंदर यूज आएगा जिसके अंदर मैं प्रूफ कराता हूं। तो पहली वाली कंडीशन जो है वो मैं उसका प्रूफ बताता हूं आपको कैसे आया। देखिए हम ये कंसेप्ट लेकर चल रहे हैं, मैंने अभी आपको बताया यहां जो x है वो हमारा एक पॉजिटिव रियल नंबर है, पहली वाली कंडीशन का मैं आपको प्रूफ बता रहा हूं। अभी हमने डिस्कस किया पहली वाली कंडीशन, लिख भी देता हूं मैं पहले, किसी नंबर को उसके रेसिप्रोकल वाले नंबर में ऐड करते हो तो वो दो या दो से बड़ी आती है प्रोवाइडेड x बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्लियर। तो तीसरी कंडीशन का यूज करके फर्स्ट और सेकंड कंडीशन का प्रूफ आएगा। तीसरी कंडीशन मैंने आपको बताई थी किसी नंबर का स्क्वायर जीरो या जीरो से ज्यादा होगा, मैंने कहा किसी नंबर कुछ भी हो सकता है, दैट इज ये कोई भी नंबर आएगा हमें नहीं पता क्या आएगा, कंडीशन ये है जो x है वो पॉजिटिव रियल नंबर है इसलिए मैंने अंडर रूट लगाया, क्योंकि अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव रियल नंबर डाल सकते हैं, अगर नेगेटिव रियल नंबर डाल दोगे तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर पे चला जाएगा, उसकी अभी हम बात नहीं कर रहे, ठीक है। ये वाली जो अंदर वाली टर्म्स है ये खुद की अजम्पशन है, दैट स्क्वायर ऑफ एनी नंबर ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। नाउ अब आप होल स्क्वायर खोलिए, ओपन करिए होल स्क्वायर, फर्स्ट वाले का होल स्क्वायर ओपन किया दैट इज x, अंडर रूट x का स्क्वायर x होता है, प्लस सेकंड वाले का होल स्क्वायर किया 1/x माइनस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर दैट ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। मैंने यहां देखा ये नंबर यहां से कैंसिल आउट हो गए, x प्लस 1/x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, यहां तक बात क्लियर हो गई। अब तुम जैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं, माइनस 2 उधर जाकर हो जाएगा प्लस 2 आ गया, देखो जो हमें चाहिए था वो आ गया, x पॉजिटिव रियल नंबर था और हमने ये प्रूफ करके दिखाया कि जो अगर पॉजिटिव रियल नंबर को उसके रेसिप्रोकल वाले में अगर हम ऐड करते हैं तो वैल्यू 2 या 2 से ज्यादा आएगी, ये आपको ध्यान रखना, क्लियर, समझ में आ गई मेरी बात, बोलो ठीक है। जो सेकंड वाले का प्रूफ है वो कुछ इसी तरीके से होगा, एक बार आप खुद से ट्राई करिएगा, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हो गया तो मुझे बता दीजिएगा, एक बार वो हम डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्लियर, समझ में आ गई। सेकंड का प्रूफ एक बार खुद सोचेगा, इसी तक करना इसी तरीके से ही आपको, ठीक है, प्रोसीजर यही रहेगा, हो सकता है इसमें कुछ प्लस की जगह माइनस आ जाए क्योंकि नेगेटिव रियल नंबर की हम बात कर रहे हैं, प्रोसीजर यही रहेगा, नहीं होगा तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा उसके अंदर हम बात कर लेंगे, क्लियर, एक बार इसको फटाफट नोट डाउन कर लीजिए।